वेलकम बैक गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग लाया हूँ। HTML का बाय डिफ़ॉल्ट है, आपको कोई भी CSS वगैरह कुछ भी यूज़ करके कुछ भी यूज़ नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। हाँ, तो मैं आगे आगे अपने स्क्रीन पर दिखाऊँगा किस तरह से यूज़ करेगा उसको। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहता हूँ हर वीक। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने मेन कोड पे। और कोड पे आने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है और मुझे एक छोटा सा कंडीशन है कि ये जो हेलो सब्सक्राइबर है मुझे जस्ट इसके टेबल के ऊपर चाहिए। मैं पहले इसका आउटपुट दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट किस तरह से है। तो ये देखिए, ये इसका आउटपुट है। मुझे सेम जो हेलो हेलो सब्सक्राइबर है वो मुझे इसके ऊपर चाहिए, जस्ट यहाँ पर। हाँ, इसके ऊपर चाहिए। तो अभी मुझे क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ऊपर तो मैंने लिख दिया है, इसके ऊपर सेम यहाँ पर ऊपर तो मैंने लिख दिया है ना, आ जाना चाहिए उसके सेम यहाँ पर, यहाँ पर नीचे उसके टेबल के सेम यहाँ पर आ जाना चाहिए। चलिए मैं इसका थोड़ा और यहाँ पर ये भी चेंज कर देता हूँ, इसको H5 कर देता हूँ ताकि वो शायद नीचे आ जाएगा, या तो फिर ये करना पड़ेगा। हाँ, तब भी नहीं आया ये। हाँ, आप इसे इसको अंडू कर देते हैं। हाँ, या फिर इसके बाद मुझे इसका पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, एक CSS बना के मार्जिन टॉप बॉटम वगैरह वगैरह जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे पूरा का पूरा उसके लिए CSS लिखना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल के लिख देता हूँ H2 मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। हाँ, मार्जिन बॉटम माइनस 100 पिक्सल, मे भी कुछ आउटपुट आ जाए, ज़्यादा हो गया। हाँ, तो इसको फिर थोड़ा सा कर देते हैं नीचे, तब भी 10 पिक्सल ज़्यादा हो रहा है, वो ऐसा बता रहा है। तो अब ये 5 करना पड़ेगा। हाँ, तो अब इसके बाद मैं इसको फाउंट वगैरह दूंगा, फाउंट साइज कुछ 2 पिक्सल दे देते हैं छोटा करने के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ पर एकदम वो चाहिए, ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो कुछ 7 दे देते हैं, मैं वो जस्ट ऊपर चाहिए उसके, तो 17 कर देते हैं, चेक करते हैं 17 में कितने। हाँ, सेम ऐसी चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, मतलब प्रॉपर चाहिए, मतलब इसके ऊपर प्रॉपर आ जाना चाहिए। तो मुझे देख लो कितना सब कुछ करना पड़ रहा है, इससे बजाय मैं एक छोटा सा टैग यूज़ करूँगा और ये सारा सारी की सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। तो मैं इसको वापस से रिमूव कर देता हूँ और एक छोटा सा टैग। हाँ, और जादू देखिए, पहले वापस से इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पर वापस सेम अपनी पोजिशन पर आ गया। मुझे सेम ये हेलो सब्सक्राइबर यहाँ पर सेम टू सेम चाहिए, जैसे मैं अभी बहुत सारी चीज़ें करके मैंने HTML CSS वगैरह जो भी था सारी चीज़ें किया, मगर नहीं हो पा रहा था। अब मैं एक सिंपल सा टैग यूज़ करूँगा और वो सेम टू सेम हेलो सब्सक्राइबर नीचे आ जाएगा, मुझे ना CSS लिखने की ज़रूरत है, ना मुझे उसको HTML को हेडिंग को 1, 2, 3 टैग वगैरह कुछ बड़ा छोटा करने की ज़रूरत है, एक टैग सारा काम हो जाएगा। तो एक छोटा सा टैग है कैप्शन नाम का, इस पर ये सारी चीज़ें हो जाती है, ना मुझे इसके लिए CSS लिखने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और करने की ज़रूरत है। हो गया, देख रहे हो, मेरे को इसके लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मुझे CSS लिखने की ज़रूरत पड़ी, ना ही मुझे कुछ HTML के टैग वगैरह को कुछ और करने की है। ये बाय डिफ़ॉल्ट HTML का टैग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है आपको बाय डिफॉल्ट, मगर ये एक ही कंडीशन है, इसको टेबल में ही यूज़ कर पाओगे आप, बाकी जगह यूज़ नहीं कर पाओगे, टेबल के लिए स्पेशली बना गया है ये बाय डिफॉल्ट HTML का टैग है जो टेबल के लिए स्पेशली बना हुआ है। अभी फॉर एग्जांपल ये आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल लग रहा होगा, मैं इसीलिए इसको और एक बड़ा एग्जांपल भी है मेरे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है, मैंने कमेंट करके रखा है, तो बड़ा एग्जांपल है, मे भी आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। ओके, क्या हो गया, अच्छा मैंने अंडू कर दिया, सॉरी। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ,
और यहाँ से इसको हटा देता हूँ बस, और मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, है ना। तो ये एक बड़ा हो गया, बड़ा टेबल है ये, इसको इसमें CSS तो लगेगा नहीं, मैं इसको अभी के लिए यहाँ पर ये कर देता हूँ। और टेबल में बॉर्डर 1 डाल देता हूँ, 1 पिक्सल। ओके, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे CSS से यहाँ पर लाना पड़ रहा है, बार बार इतना बड़ा टेबल है, अब मेरे को बार बार ये इसको यहाँ से यहाँ लाना पड़ रहा है। तो एक मैं छोटा सा टैग यूज़ कर लूँगा, जो अब मैंने आपको अभी बताया था, सेम चीज़ कैप्शन टैग है, ये यहाँ पर आया मैं यहाँ पर, और ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कैप्शन के अंदर। फिर आपको खाली कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस आपका आ गया आउटपुट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और कौन सा टैग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है ये। आप अगर टेबल में यूज़ कर रहे हो तो आपको CSS की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये छोटा सा टैग यूज़ कर लो, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा बहुत डिज़ाइन करने के लिए आप थोड़ा सा CSS कलर वगैरह ऐड कर सकते हो, उसका फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, बस इतना सा है। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के, और मज़ा आया होगा तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हर वीक लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, गुड बाय।